श्रेष्ठ भारत शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। इस शो में आप रोज देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट में हाजिर हों, कोर्ट का आदेश आ गया है। अब केजरीवाल को 16 मार्च को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में हाजिर होना होगा। ईडी की अर्जी पर कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेज दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को उनके सामने पेश होने को कहा है। इससे पहले ईडी सीएम केजरीवाल को 8 समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल ने हर बार समन को गैर कानूनी बताते हुए इसे नज़रअंदाज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यह समन गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वहाँ ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी थी। केजरीवाल ने कहा था कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब देंगे। केजरीवाल को बार बार ईडी की ओर से समन भेजे जाने पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया था कि आखिर ईडी किस आधार पर यह समन भेज रही है। अब ईडी खुद इस मामले को लेकर कोर्ट गई है। कोर्ट के समन से पहले केजरीवाल ने कल फिर एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार उन्हें ईडी के जरिए डराना चाहती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से ईडी कथित शराब घोटाले के मामले में पूछताछ करना चाहती है। 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी कि एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई नीति पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भी मोहर लगी थी। इस नीति को लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ईडी की जांच में इसमें कई लूपहोल्स पाए गए। दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह जेल में हैं। कोर्ट का समन मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार श्रीनगर पहुंचे हुए हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी के लोगों का दिल जीतने की हर कोशिश की है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आज खुद श्रीनगर पहुंचे तो कश्मीर के लोगों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। जहां कभी खौफ का मंजर रहता था, वहां आज मोदी के जयकारे लग रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को 6400 करोड़ रुपए की 54 योजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री श्रीनगर पहुंचे तो वहां उन्होंने शंकराचार्य हिल्स के दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये तस्वीर ट्वीट की है। पीएम मोदी का कश्मीर के लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में रैली की। पूरा श्रीनगर तिरंगा और भगवा कलर के झंडों से पट गया। रैली में घाटी के बारामूला, बांदीपोरा, उरी समेत दूर दूर से लोग पहुंचे। लोग मोदी का मुखौटा लगाए हुए थे और मोदी तुझ पर जानिसार, हर हर मोदी, घर घर मोदी जैसे नारे लगा रहे थे। रैली में आए कई लोगों की टोपी पर आई लव मोदी लिखा था। स्टेडियम के अंदर और बाहर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय लोग भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे को लेकर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जुटी भीड़ का अभिनंदन किया, कश्मीर से अपना लगाव बताया और कहा कि वे जम्मू कश्मीर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और पुराना साथी मिल सकता है। 15 साल बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी एनडीए के साथ आने वाली है। नीतीश कुमार की जेडीयू के बाद अब ओडिशा की बीजू जनता दल यानी बीजेडी भी एनडीए में शामिल हो सकती है। भुवनेश्वर में बीजेडी के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के घर चुनाव को लेकर लंबी मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद बीजेडी के वाइस प्रेसिडेंट देवी प्रसाद मिश्रा ने कहा कि हमारी बीजेपी के साथ अलायंस पर चर्चा चल रही है। हमारी पार्टी ओडिशा के लोगों के हितों को लेकर जरूरी फैसला लेगी। दिल्ली में भी ओडिशा में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की लंबी बैठक हुई। इस बैठक के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने नवीन पटनायक के साथ गठजोड़ होने का इशारा किया। 1998 में बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन हुआ था, जो 2009 में टूट गया था।
15 साल बाद दोनों पार्टियां फिर साथ आने वाली हैं। 1998, 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने साथ लड़े थे। इसके अलावा 2000 और 2004 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव में उतरी थीं। बीजेडी कभी एनडीए की सबसे भरोसेमंद पार्टी मानी जाती थी, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर अलायंस टूट गया था। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। अगर दोनों पार्टियों का गठजोड़ हुआ तो बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए ओडिशा में 6 सीटें मिल सकती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के एक और युवक की मौत की खबर है। हैदराबाद के युवक मोहम्मद असफान रूसी सेना में सहायक के रूप में काम कर रहे थे। असफान के परिजनों ने AIMIM नेता और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी से उसे भारत लाने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन वो भारत आ पाता उससे पहले उसकी मौत की खबर आई है। मॉस्को में भारतीय दूतावास ने असफान की मौत की पुष्टि की है। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। असफान का परिवार हैदराबाद में रहता है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि हमें भारतीय नागरिक मोहम्मद असफान के निधन की जानकारी मिली है। हम उनके परिवार और रूसी अधिकारियों के संपर्क में हैं। उनके पार्थिव शरीर को भारत भेजने की कोशिश करेंगे। 21 फरवरी को गुजरात के सूरत में रहने वाले हेमिल अश्विन भाई मंगूकिया की यूक्रेन में मौत हुई थी। हेमिल को रूसी कंपनी में नौकरी ज्वाइन कराई गई थी। बाद में कंपनी ने उसे जंग लड़ने के लिए भेज दिया था। हेमिल को धोखे से वैगनर आर्मी ज्वाइन करा दी गई थी और ट्रैवल एजेंटों के जरिए धोखे से रूस भेजकर भारतीय नागरिकों को जंग में धकेलने का ये दूसरा मामला सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों भारतीय युवक नौकरी के चक्कर में रूस गए तो उन्हें धोखे से जंग के मैदान में भेज दिया गया। रूस में फंसे इन भारतीयों के परिजनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर से भारत लौटने के मदद की अपील की है। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले 7 लोगों ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया था। अब आपको बताते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई खबर। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप बनाम जो बाइडेन होने जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनने की होड़ में ट्रंप की प्रमुख प्रतिद्वंदी निकी हेली ने अपना नाम इस रेस से वापस ले लिया है। ट्रंप से लगातार कई मुकाबले हारने के बाद हेली ने ये फैसला लिया है। भारतीय मूल की पूर्व गवर्नर निकी हेली ने खुद को अब व्हाइट हाउस की रेस से बाहर कर लिया है। निकी हेली ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए अपना प्रचार अभियान रोक दिया। उन्होंने ये निर्णय सुपर ट्यूसडे को 15 राज्यों की पार्टी प्राइमरी में हार के बाद लिया। हेली के इस फैसले के साथ ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने की दौड़ में एकमात्र प्रमुख उम्मीदवार रह जाएंगे। इस तरह नवंबर में होने वाले चुनाव में ट्रंप के सामने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर चुनाव में होंगे। ऐसा तीसरी बार होने जा रहा है जब लगातार तीसरी बार रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनेंगे। निकी हेली ने राष्ट्रपति उम्मीदवारी की रेस से हटने के बाद कहा है कि मैं चाहती हूं कि अमेरिकियों की आवाज़ सुनी जाए। मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं अब उम्मीदवार नहीं रहूंगी, लेकिन मैं उन चीज़ों के लिए अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना बंद नहीं करूंगी जिसमें मैं विश्वास रखती हूं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजपूत हेली ट्रंप की पहली मजबूत प्रतिद्वंदी मानी जा रही थी। तो ये थी द श्रेष्ठ भारत शो में आज की सभी बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।